नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार लगातार गरीबों के हित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव को मध्य प्रदेश सरकार सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने होशंगाबाद में अन्न उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिले के 14,851 परिवारों को राशन की पात्रता पर्ची दी। इस योजना के तहत इन हितग्राहियों को प्रतिमा 5 किलो अनाज, 1 किलो आयोडीन वाला नमक और 1.5 लीटर केरोसिन मुफ्त दिया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिन हितग्राहियों के पास कार्ड था लेकिन पर्ची नहीं थी, इस तरह के हितग्राहियों को शासन की योजना से अब लाभान्वित होने का अवसर मिला है। अन्न उत्सव के रूप में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में 37 लाख उपभोक्ताओं को राशन पर्ची वितरण का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। उसी के अंतर्गत होशंगाबाद में आज का ये कार्यक्रम है। ऐसे उपभोक्ता जिनके पास राशन पर्ची नहीं थी, कार्ड था पर पर्ची नहीं थी या पर्ची नहीं थी, ऐसे सभी 37 लाख उपभोक्ताओं को आज मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से ये पर्ची वितरण हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इसलिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा सेवा सप्ताह के रूप में माननीय मोदी जी का जन्मदिन मना रही है। आज से इस सेवा सप्ताह प्रारंभ हुआ है और 23 तारीख तक ये सेवा सप्ताह चलेगा। आज अन्न उत्सव के अंतर्गत खाद्यान्न पर्ची देने का काम, अन्न देने का काम हो रहा है। कल सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध वितरण का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा और सभी आंगनबाड़ियों में अब आगे से बच्चों को प्रतिदिन दूध दिया जाएगा, तो वह कार्यक्रम कल होगा। 18 तारीख को हमारे प्रदेश के किसानों के खाते में 4600 करोड़ रुपए की राशि, फसल बीमा की राशि डालने का काम होगा। संबल योजना के अंतर्गत भी कार्यक्रम होगा। इस तरह से पूरा सप्ताह भर ये कार्यक्रम चलेंगे, उसकी आज शुरुआत। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।